नमस्कार, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि प्रदर्शित वस्तु यानी एग्जिबिट जो कि अन्वेषण के दौरान प्राप्त होते हैं, उनका आपराधिक मामलों में क्या क्या प्रयोग है, किन किन धाराओं में उनका इस्तेमाल होता है, आज का टॉपिक इसी पे निर्धारित है। इन अदर वर्ड्स कि एग्जिबिट और डॉक्यूमेंट विच हैज बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस इन क्रिमिनल केसेस। तो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक को समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये है कि पांच व्यक्ति हैं, ए बी सी डी एंड ई, और उनको सीरियस इंजरी यानी घोर चोट पहुंचा हुआ है। इन द कोर्स ऑफ फैक्चुअस फाइट यानी आपस में झगड़ने में उन लोगों को काफ़ी चोटें पहुंची हुई हैं जो कि सीरियस नेचर का भी है। दे वर फर्स्ट टेकन टू द पुलिस स्टेशन एंड देन टू द हॉस्पिटल। जब पुलिस को जानकारी मिली तो उन सभी को पहले पुलिस स्टेशन ले गए और उसके बाद हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया। एट द पुलिस स्टेशन ए गेव अ रिपोर्ट, यानी कि ए ने FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रिकॉर्ड कराया जो कि एग्जिबिट नंबर 1 कहलाया, एंड ऑल्सो रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट बाय द पुलिस। और बाकी लोगों का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है उनमें बी और सी है जो एग्जिबिट 2 और एग्जिबिट 3 के तौर पे उनका रिकॉर्डिंग हुई है, लेकिन जो डी और ई है वो अनकॉन्शियस थे। अचेत होने की वजह से वो कोई स्टेटमेंट पुलिस को नहीं दे पाए। जब ये हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन सभी को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया, जहाँ पर उन लोगों ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। और जो रिकॉर्डिंग हुई है उसका एग्जिबिट नंबर पड़ा है 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक। सब्सिक्वेंटली बाद में क्या हुआ कि ए सी एंड ई, जिसको काफ़ी गंभीर चोट पहुंची थी फाइट के दौरान, उन सभी का देहांत हो गया। बचे आखिर में बी एंड डी, जो कि एग्जामिन किया गया एट द ट्रायल एज विटनेसेस के तौर पे। नाउ अब सवाल ये है कि ये जो एग्जिबिट है 1 से लेकर के 8 तक, उनका ट्रायल में क्या योगदान है, क्या इस्तेमाल है, किन धाराओं में उनका इस्तेमाल होगा, हमें आज के सवाल का यही जवाब देना है। तो अगले स्लाइड पर चलते हैं और हर एक एग्जिबिट की एविडेंसरी वैल्यू जानते हुए और किस सेक्शन में उसकी वैलिडिटी होगी, उसकी उपयोगिता होगी, उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में दिए गए प्रदर्शित वस्तु यानी एग्जिबिट को गौर से देखें तो कुछ रेलिवेंट सेक्शंस का जिक्र स्लाइड में किया गया है, जो कि अगले स्लाइड्स पे एग्जिबिट के अनुसार उन सेक्शन का जिक्र होगा। तो पहले देखिए सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि ये कहता है कि केसेस इन विच स्टेटमेंट रिटन और वर्बल ऑफ रेलिवेंट फैक्ट by a person who is dead or cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without any amount of delay or expense which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable are themselves relevant fact। yani ki aise vyakti ka statement chahe verbal ho ya written ho wo relevant fact hoga, khas kar jab wo vyakti ka dehant ho gaya hai ya उसे कोर्ट में लाना संभव नहीं है या जिसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है और जिसको कोर्ट में लाने में या अटेंडेंस कोर्ट में करने में यानी इसकी उपस्थिति न्यायालय में करने में काफ़ी अननेसेसरी खर्च या डिले हो सकता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है वो रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब 32(1) का यहाँ पर जिक्र होगा जो कि डाइंग डिक्लेरेशन है, यानी कि मृतक व्यक्ति का बयान, यानी ऐसा बयान
जिस व्यक्ति ने दिया है वो अपने मरने से जस्ट पहले कोई बयान देता है और ये बताता है कि उसकी मृत्यु की जो कारण है वो क्या है, ठीक है, किस वजह से उसका देहांत होने वाला है, या ऐसी कोई परिस्थिति बताता है जिसमें संव्यवहार के अंतर्गत उसके संहार की वजह से ही उसकी डेथ होती है या होने वाली है, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई बयान है जिसमें मृतक व्यक्ति ने अपने मरने का कारण बताया हो या ऐसी परिस्थिति बताया हो तो उसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, और ऐसा स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट होता है भले ही वो व्यक्ति ने, और खासकर तब क्या हो जब उसे मरने की आशंका भी नहीं थी, यानी आशंका है तब तो ठीक है, अगर आशंका नहीं है उसके बाद भी उसने स्टेटमेंट दे रखा है और तब भी उसका स्टेटमेंट रेलेवेंट माना जाएगा। अगर जीवित हो जाता है, जीवित रहता है तो फिर वो संपोषक में या कॉन्ट्रडिक्शन में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है, और अगर मृतक हो जाता है तो फिर मृतक का बयान के तौर पर उसको स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में ये ऐसे स्टेटमेंट की बात करते हैं जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो प्रूफ में कोई स्टेटमेंट की गई है इन राइटिंग, ठीक है, तो वो रिलेवेंट मैटर होता है, और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो प्रीवियस बयान है लिखित तौर पे उसका कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पे यानी विरोध करने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यानी 145 में जो है प्रीवियस स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिनेशन में कॉन्ट्रडिक्शन के तौर इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट है जिसमें जो फॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं ऑफ द विटनेसेस के, गवाह के, उसे कोबरेट यानी संपोषक के तौर पे जो बात की जो लेटर टेस्टिमोनी होती है बात के साक्ष्य को संपोषक कराया जाता है प्रीवियस स्टेटमेंट से, ठीक है, जैसे कि एट और अबाउट व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, जब भी फैक्ट ली जाती है, और बिफोर एनी अथॉरिटी लीगली कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट, यानी कोई प्रीवियस पूर्व फैक्ट है उसके आधार पे जो बात के पश्चातवर्दी जो भी साक्ष्य आएंगे उसको संपोष करने में इस्तेमाल होता है, और इसलिए सेक्शन 157 जो है संपोषक धारा कहलाती है और 145 साक्ष्य विधि का खंडन करने वाली धारा कहलाती है। सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से संबंधित है, यानी कि जब भी पुलिस ऑफिसर को किसी संगीय अपराध की सूचना किसी व्यक्ति द्वारा मिलता है और उसे रिकॉर्ड करते हैं अपने केस डायरी में, तो फिर ऐसे इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड होती है उसे ही हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब सेक्शन 161 है ऑफ द CRPC, ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस ऑफिसर को अन्वेषण के दौरान यानी कि FIR दर्ज हो गई है उस पर अन्वेषण कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उस दौरान जो है किसी साक्ष्य के माध्यम से या किसी साक्षी के माध्यम से कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन या सूचना मिलती है जो कि ये रिकॉर्ड करते हैं, और हो सकता है कि आरोपित व्यक्ति खुद ही सूचना दे रहा हो, ठीक, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट जो है जो भी आरोपित व्यक्ति द्वारा प्राप्त होता है एडमिशन के दौरान तो उसको एडमिसिबल जो है मेन केस में नहीं किया जाएगा, क्योंकि आरोपित व्यक्ति ने जो भी स्टेटमेंट दिया वो पुलिस के समक्ष दिया है, डैट इज नॉट सो रेलेवेंट, ठीक है। अब रिफ्यूजल टू आंसर टू एनी क्वेश्चन पुट टू एनी विटनेसेस शैल नॉट बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 176, 179, 187 ऑफ द इंडियन पैल कोड, यानी कि अगर इस 161 के अंतर्गत अगर पुलिस किसी से कोई क्वेश्चन पूछती है अपराध से संबंधित और कोई जवाब मना कर देता है तो फिर वो एक पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ जो कंटेम्प्ट टाइप का जो होता है वो इसमें उस पर चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि पुलिस ने पूछा उसने जवाब नहीं दिया, ठीक है। और 161 का जो भी स्टेटमेंट अगर मिलता है तो उसे सिर्फ कॉन्ट्रडक्शन यानी खंडन में ही से इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट में होता है, ठीक। और अगर प्रीवियस स्टेटमेंट है रिकॉर्डेड बाय द IO है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है तो जिस व्यक्ति ने बयान दिया हुआ है उसे डिफेंस विटनेस के तौर पर बुलाया जा सकता है, ठीक है, और उसका पर्पस इतना ही है कि जो एग्जामिनेशन चीफ में जो क्वेश्चन पूछी गई है उसको री एग्जामिनेशन में एक्सप्लेन करे, बस इतना ही इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल होता है।
स्टेटमेंट 162 ऑफ द सीआरपीसी यानी कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई स्टेटमेंट बोला जाता है और उसको रिटन फॉर्म में पुलिस रिकॉर्ड करती है और बाद में उसे उस पर साइन कर देता है, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट को ड्यूली प्रूफ किया जाएगा, खासकर तब जब कॉन्ट्रडिक्शन यानी कोई बात खंडन करनी हो, यानी कि ये जो रिटन स्टेटमेंट है 162 का पश्चादवर्जी जो साक्ष्य आएंगे उसको खंडन करने में इस्तेमाल होता है, बाकी कोई इस्तेमाल इसका नहीं होता है। ठीक, अब है सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी, जिसे हम कहते हैं कि जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि इसमें यह है कि कोई भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हो और जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, वो उसके जुडिक्शन में हो चाहे ना हो, अगर कोई आरोपित व्यक्ति आता है और अपने गिल्ट ऑफ द अक्यूज यानी कि अपनी जो गिल्टी है भावना से व्यक्त होकर के वो अगर अब कन्फेस करता है किसी अपराध को करने का, तो फिर और मजिस्ट्रेट के समक्ष करता है, तो फिर ऐसा जो कन्फेशन है को रिकॉर्ड की जाती है और इस स्टेटमेंट कहते हैं जुडिशियल कन्फेशन, क्योंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा रही है और ये जुडिशियल कन्फेशन जो है वो आरोपित व्यक्ति यानी बोलने वाले के खिलाफ ट्रायल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अब दिए गए प्रश्न के उत्तर पे आते हैं और हर एक एग्जिबिट यानी प्रदर्शित वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि उसका क्या या कौन कौन से साक्षिक मूल है, एविडेंसरी वैल्यू है इन क्रिमिनल केसेस। तो पहले आते हैं एग्जिबिट वन में, जो कि ए ने पुलिस को रिकॉर्ड कराया हुआ है, एक घटना घटित होने की सूचना दी गई है, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो। ठीक है, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब भी होती है तो उसका सिर्फ दो इस्तेमाल होता है, या तो सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में खंडन में प्रयोग होगा यानी कॉन्ट्रडक्शन में प्रयोग होगा, या 157 में कोरोबोरेशन में इस्तेमाल होता है, बस और कोई इसका इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जिबिट 2 एंड 3 जो कि बी और सी ने रिस्पेक्टिवली दी हुई है और उसको रिकॉर्डिंग है, वो पुलिस के समक्ष की गई है। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट का इस्तेमाल जैसे आप भी सेक्शन 162 आपने देखा है, 161 में ज़्यादा प्रयोग होता नहीं, 162 में प्रयोग होता है, अब कोई स्टेटमेंट दी गई है पुलिस को और रिटन फॉर्म में है, असाइन किया हुआ है, तो वो भी सिर्फ कॉन्ट्रोडक्शन यानी खंडन में, यानी लेटर टेस्टिमोनी या सब्सिक्वेंट टेस्टिमोनी जो आएगी उसको खंडन यानी कॉन्ट्रोडिक्ट करने में इस्तेमाल होता है, बाकी कोई इसका इस्तेमाल नहीं होता है। एग्जिबिट 4, 6 एंड 8 की बात करें तो ये ए सी एंड ई ने मजिस्ट्रेट के समक्ष स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया हुआ है और बाद की घटनाओं में इन तीनों का देहांत हो जाता है, यानी कि अगर ये स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने की गई है और उस स्टेटमेंट में ए सी ने अपने मृत्यु का कारण बताया है यानी कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टेंसेस इन विच द डेथ इज कॉज्ड, यानी वो घटना परिस्थिति और कारण जिसकी वजह से उसका डेथ हुई है अगर वो जिक्र किया हुआ है, तो फिर ये सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लोरेशन यानी मृतक का बयान के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि देखा जाए तो सब्सटेंसिव एविडेंस होता है, सारवान साक्ष्य होता है। ठीक है, अगर वो वॉलंटरली की गई है तो। ठीक, अब आइए लास्ट है कि एग्जिबिट 5 और 7 जो कि बी और डी ने रिकॉर्ड कराया हुआ है, बिफोर मजिस्ट्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर बी और डी ने अपनी बात को एक कन्फेस के तौर पे, यानी अपने जो गिल्ट है मारपीट में जो भी उसने चोट पहुंचाई है जो रिमेनिंग बचे हैं ए सी ई को, अगर उसमें अपनी गिल्ट को स्वीकार कर रहा है, तब तो ये कन्फेशन में इस्तेमाल हो जाएगा अंडर सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी। और अगर उसने गिल्ट को कन्फेस नहीं किया हुआ है, कोई और स्टेटमेंट दे रखा है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगा। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो पे हम नए प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।